पूरे भारत में दशहरे का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दक्षिण भारत में स्थित आरंबा नाम के एक छोटे से गांव में भी हर साल की तरह इस साल भी दशहरे की तैयारियां बहुत जोरों से चल रही थी। विजय पैदा तो आरंबा गांव में ही हुआ था, मगर जब वो एक साल का था तो उसके माँ बाप उसे बैंगलोर लेकर चले गए थे। 12 साल बाद अब वो अपने गांव वापस आया था और अपने सारे परिवार वालों के साथ मिलकर दशहरा मनाने के लिए बहुत एक्साइटेड था। आरंबा गांव में सिर्फ एक ही जगह रावण का पुतला जलता था और उसे भी गांव के पंडित मिलकर जलाते थे। उनके अलावा उस रावण को छूने की इजाजत किसी को भी नहीं थी। दशहरे के दिन विजय बहुत खुश था। नए कपड़े पहनकर वो अपने कजिन्स के साथ पहले ही मेला देखने निकल गया था। मेले के अंदर पहुंचते ही विजय और उसके भाई बहनों ने खूब मजे किए, अलग अलग चीजें खाई और झूले भी झूले। मगर विजय को सबसे अजीब ये लगा कि मेले की हर दूसरी दुकान पर काले रंग की पट्टियां बिक रही थीं। और तो और, मिठाई और खिलौनों की दुकान से ज्यादा भीड़ उन पट्टियों की दुकान पर थी। विजय ने अपने कजन से इसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि गांव के सभी बच्चों को ये पट्टियां दी जाती हैं और रावण के जलते ही उनको काली पट्टी अपनी आंखों पर बांधनी होती है। विजय को कुछ समझ नहीं आया, मगर इन बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए वो वापस अपनी मस्ती में लग गया। कुछ देर बाद विजय के माँ बाप और उसका परिवार भी मेले में पहुंच गए। रावण जलने में अब बस 5 ही मिनट बचे थे। गांव के सभी लोग खौफ में रावण की तरफ देखने लगे। उन्होंने अपने बच्चों की आंखों पर काली पट्टियां बांध दी और मेले के दरवाजे के पास इकट्ठा हो गए। ऐसा लग रहा था कि मानो वो लोग बस रावण के जलते ही वहां से भागना चाहते हों। ये सब देखकर विजय बहुत ही अजीब महसूस कर रहा था। विजय के पापा ने भी उसकी आंखों पर काली पट्टियां बांध दी। जब उसने उसकी वजह अपने पापा से पूछी तो उसके पापा ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, बेटा घर पहुंच के सब बताऊंगा, अभी बस ये पट्टी पहने रहो। गांव के सबसे बड़े पंडित ने उस रावण के पुतले में आग लगा दी। बेहद हिला देने वाली बात तो ये थी कि जो मेला लोगों से भरा हुआ था वो रावण के जलते ही महज 5 मिनट में खाली हो गया। विजय की फैमिली भी जल्दी से उस मेले से निकल ही रही थी, लेकिन विजय से रहा नहीं गया और उसने अपनी आंखों से पट्टी हटाकर जलते रावण को देख लिया। विजय को उसी वक्त दौरे पड़ने लगे, उसके कानों और आंखों से खून बहने लगा और वो आसमान में देखता हुआ बुरी तरह किसी के डर से चिल्लाने लगा। और देखते ही देखते 15 मिनट के अंदर उसकी मौत हो गई। ऐसा शुरू से ही कहा जाता है कि आज तक जिस भी बच्चे ने उस गांव के रावण को जलता देखा है वो बहुत दर्दनाक मौत मारा गया है, मगर आज तक इसकी वजह कोई भी नहीं जान पाया है और ना ही ये जान पाया है कि उन लोगों ने ऐसा क्या देखा कि वो इतना डर गए और मारे गए। अगर आप उस गांव में दशहरा बिताएंगे तो क्या अपनी आंखों से पट्टी हटाकर उस जलते रावण को देखना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और साथ ही जिन लोगों ने भी हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब बटन को अभी दबाएं। और हाँ, हमारी लेटेस्ट वीडियोस की सारी इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करना।